मेंस। तो ओवरी में सिस्ट की प्रॉब्लम कई महिलाओं को होती है और कई बार इसी वजह से मासिक धर्म में भी काफी ज्यादा देरी हो जाती। कई बार ओवरी में सिस्ट की समस्या होने की वजह से उन्हें काफी ज्यादा दर्द का सामना भी करना पड़ता है। इसीलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जो ओवरी में सिस्ट की प्रॉब्लम को थोड़ा कम करने में और आपके दर्द को शांत करने में आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहला नुस्खा है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल से यदि आप मसाज करती हैं तो ऐसा करने से आपकी असहजता को दूर करने में आपको काफी हद तक आराम मिलता है। इसी के साथ साथ आप चाहें तो आप एप्पल साइडर विनेगर का भी सहारा ले सकती हैं। एप्पल साइडर विनेगर को 1 से 2 बड़े चम्मच की मात्रा में लेकर पानी के साथ मिक्स कर लीजिए और उसी पानी से आप अपनी ओवरी को वॉश करिए। ऐसा करने से आपको काफी राहत मिलेगी। आप चाहें तो हीटिंग पैड से भी सिकाई कर सकती हैं। ऐसा करने से आपको दर्द से और सूजन से काफी ज्यादा आराम मिलेगा। आप चाहें तो चुकंदर के रस का प्रयोग भी कर सकती हैं। चुकंदर के रस के अंदर कई ऐसे तत्व होते हैं जो ओवरी में सिस्ट की प्रॉब्लम को काफी हद तक दूर कर देते हैं। सो दोस्तों, इन घरेलू नुस्खों को जरूर आजमाइए ताकि आप इस प्रॉब्लम से अपने आप को बाहर निकाल सके। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।